हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो रबड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। अभी मैं इस मिल्क में बॉयल आने देती हूँ। ये देखिए, मिल्क में हमारा बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अभी हमें इस मिल्क को चलाते हुए 1 लीटर से 1/2 लीटर कर लेना होगा। इस मिल्क को चलाते जाना होगा ताकि तले में लगे नहीं। अभी यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिया है और इसके साइज को मैंने कट के रखा है। अभी मैं ब्रेड को टुकड़ा करके मिक्सिंग जार में डाल दूंगी। अभी इस ब्रेड को मिक्सी में घुमा के मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए, पाउडर हमारा बन के रेडी है। अभी हमारा मिल्क भी गाढ़ा होके 1/2 लीटर हो चुके हैं। अभी यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जैसा ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, काजू आलमंड पिस्ते। इसको मैंने बारीक कट के रखा है, इसको ऐड करी। अभी मैंने यहाँ पे जो ब्रेड का पाउडर लिया है वो ऐड करी इसमें। अच्छे से मिला लेती हूँ। मिला के मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से चला लेती हूँ। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छे से चला लिया है। कितना ठीक हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जैसे चीनी ले लिया है। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेती हूँ। मिला के 2 मिनट के लिए फिर से चला लेती हूँ ताकि चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, रबड़ी हमारा गाढ़ा भी हो चुके हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून जैसे इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं मिला लेती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इलायची पाउडर को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इस रबड़ी को मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, रबड़ी हमारा ठंडा भी हो चुकी है और ये देखिए, रबड़ी काफी थिक भी हो चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जैसा मैंगो पल्प ले लिया है, इसको ऐड करी। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जैसा मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट के रखा है, वो ऐड करी। अभी मैं इन सारे चीजों को रबड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए आप लोग, हमारा मैंगो रबड़ी बनके एकदम रेडी है। अभी मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। 1 घंटे हो चुके हैं, मैंने रबड़ी को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, मैं आपको चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ कितना ठीक बना है हमारा रबड़ी। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। तो चलिए, आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।